फ्रेंड्स वेलकम टू माय चैनल। हम लोग बात करेंगे बिहार में शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया के बारे में। तो देखिएगा तैयारी, बिहार में शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया जून तक, बीपीएससी की अधियाचना जल्द, यानी कि राज्य के सरकारी विद्यालयों में नई नियमावली के तहत शिक्षकों की भर्ती का खाका यानी ब्लूप्रिंट तैयार हो गया है। जून में शिक्षकों की नियुक्ति को लेकर बिहार लोक सेवा आयोग विज्ञापन निकालने की तैयारी में है। राज्य के सरकारी विद्यालयों में नई नियमावली के तहत शिक्षकों की भर्ती का खाका तैयार हो गया है। जून में शिक्षकों की नियुक्ति को लेकर बिहार लोक सेवा आयोग विज्ञापन निकालने की तैयारी में है। इस संबंध में शिक्षा विभाग इसी हफ्ते उन्हें रिक्तियों की सूचना भेज देगा। नियुक्ति के लिए आयोजित परीक्षा में नियोजित शिक्षक और नियुक्ति का इंतजार कर रहे शिक्षक अभ्यर्थी दोनों ही बैठेंगे, यानी कि नियोजित शिक्षकों को कोई राहत नहीं दी गई है। वो सामान्य अभ्यर्थियों की तरह ही शिक्षकों की परीक्षा में बैठेंगे, यानी बीपीएससी से होने वाला परीक्षा उसमें बैठेंगे, यानी दोनों ही बैठेंगे। नियुक्त होने वाले शिक्षक जिला कैडर के होंगे। शिक्षा विभाग के पास लगभग सभी जिलों से रिक्तियों की जानकारी आ गई है। से 7 जिलों से रिक्तियां आने के बाद अगले 2-3 दिनों में रिक्तियों की पूरी जानकारी संग्रहित कर शिक्षा विभाग आगे की कार्रवाई शुरू कर देगा। अगर ये 7 जिला भी भेज दिया होता समय पर तो अब तक शायद रिक्तियां निकल गई होती। इस क्रम में पदों में नए मानकों के अनुरूप आवश्यक बदलाव किया जाएगा। इसे फिर से रोस्टर के अनुसार तैयार करने के लिए जिलों को भेजा जाएगा। इसके बाद शिक्षा विभाग रिक्तियों को अंतिम रूप देकर नियुक्ति के लिए अधियाचना बीपीएससी को भेज देगा। इसी आधार पर बीपीएससी नियुक्ति के लिए वैकेंसी निकालेगी। इस समय राज्य में 2 लाख से अधिक शिक्षकों की बहाली को लेकर मंथन चल रहा है। इसको लेकर शिक्षा विभाग के आला अधिकारी बीपीएससी के साथ बैठक भी कर चुके हैं। इसमें नियुक्ति की पूरी प्रक्रिया को समझाया गया है। अब उसी के अनुरूप विभाग काम कर रहा है। बीपीएससी को रिक्ति भेजने के पहले हर पहलू पर विचार विमर्श किया जा रहा है। नियुक्ति में 80,000 प्रारंभिक शिक्षक और 1,20,000 माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षकों के पद शामिल हैं। साथ ही कंप्यूटर शिक्षक, शारीरिक शिक्षक और गैर शिक्षकेतर कर्मियों के 1,00,000 पदों पर भी नियुक्ति होनी है। हालांकि शिक्षकों के पद में 10,000 तक की वृद्धि की संभावना है, यानी इसके अतिरिक्त भी 10,000 और पद बढ़ सकते हैं। वेतन निर्धारण, यानी वेतन क्या होगा, नए शिक्षकों की नियुक्ति के वेतन निर्धारण का प्रस्ताव वित्त विभाग के पास विचाराधीन है। इनकी सेवा शर्तों को लेकर सामान्य प्रशासन विभाग से भी विमर्श हो रहा है। नए शिक्षकों का वेतन मौजूदा नियोजित शिक्षकों से 10 से 15% तक अधिक हो सकता है। वहां से सहमति मिलने के बाद ही प्रस्ताव को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया शुरू होगी। अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह ने उच्च विद्यालयों में प्रधानाध्यापक नियुक्ति से संबंधित शेष रिक्त पदों के लिए क्षेत्रीय शिक्षा उपनिदेशक के स्तर से रोस्टर क्लियरेंस करने को कहा है। तो बस आज के वीडियो में इतना ही अपडेट। धन्यवाद।